हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं स्केलेटल सिस्टम। ओके, और स्केलेटल सिस्टम की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसका क्लासिफिकेशन। ओके, हम क्या डिस्कस करेंगे, इसका क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन को किस तरह से याद रखा जाए, उसकी ट्रिक्स। ओके, तो ये ही हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और पर्टिकुलरली हम इसके जो फर्स्ट टाइप है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ स्केलेटल सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमारी बॉडी में टोटल कितनी बोन्स होती हैं। तो इन अडल्ट जो है टोटल हमारी 206 बोन्स होती हैं। ओके, 206 कैसे, आप देखिए, अगर आप एक्सियल स्केलेटल सिस्टम की 80 को ले लें प्लस उसमें आप कितना कर दें अपेंडिकुलर सिस्टम का 126 कर दें, तो आपका जो टोटल नंबर आएगा वो 206 आएगा। अगर हम किसी बच्चे की बात करें, अगर हम चाइल्ड्स की बात करें और न्यू बॉर्न की बात करें, तो उसके अंदर कितनी बोन्स होती हैं, वो आप देखिए, वो टोटल 300 बोन्स होती हैं। तो यहाँ पर नीट में और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ चुका है कि न्यू बॉर्न के अंदर कितनी बोन्स होती हैं और एडल्ट के अंदर कितनी बोन्स होती हैं। पर्टिकुलरली यहाँ नंबर भी आपको अच्छे से याद रखना है कि एक्सियल स्केलेटल के अंदर कितनी बोन्स हैं और अपेंडिकुलर के अंदर कितनी बोन है, हर एक सेक्शन के अंदर कितनी कितनी बोन है, वो आप लोगों को याद रखना है। ओके, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर अपेंडिकुलर क्या होता है और एक्सियल क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा ये फ्रंट एक्सिस है, दिस ये जो हमारा एक्सिस है, इस पर जो बोन्स आती हैं वो सब किस में आएगी, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में आएगी। और जो अपर लिम्ब है, अपर लिम्ब हो गए, और लोअर लिम्ब की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो किस में आएंगी, मेनली अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में आएंगी। तो आज की जो हमारी क्लास है, वो हमारा जो फोकस है ओनली एंड ओनली एक्सियल स्केलेटल सिस्टम पर है। यहाँ पर आप देखिए, इस एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि हमारे पास में टोटल कितनी बोन्स है, 80 बोन्स है। तो 80 बोन्स में से जो हमारे पास में, इसको डिवाइड किया गया है थ्री क्लासेस में। फर्स्ट वन इज स्कल, ओके, सेकेंड वन इज वर्टिब्रल कॉलम एंड थर्ड वन इज थोरेसिक केज। ओके, तो यहाँ पर स्कल के अंदर टोटल कितनी बोन्स है, स्कल के अंदर हायोइड भी इंक्लूड कर लिया गया है, इसलिए टोटल यहाँ पर 29 बोन्स हैं। वर्टिब्रल कॉलम में टोटल 26 बोन्स हैं और केज, थोरेसिक केज के अंदर 25 बोन्स हैं। ओके, तो इसको याद रखने की जो हमारी ट्रिक है, वो आप देखिए कैसे आप इनको तीनों पार्ट्स को लर्न करेंगे। तो अब जनरली आप देखिए क्या होता है, हमारा स्कल बहुत ही टफ होता है, तो हमारी जो ट्रिक है वो क्या है, स्कल इज वेरी टफ। ओके, स्कल वेरी टफ है। ओके, तो स्कल से आपको स्कल याद हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। वेरी से आपको वर्टिब्रल कॉलम याद हो जाएगा एंड टफ से जो है आपका टी से आपको थोड़ी सी केज याद हो जाएगा, और है से आपको हायोइड बोन याद हो जाएगा। और जनरली हम हायोइड बोन को स्कल के अंदर ही कंसिडर कर लेते हैं, तो आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, स्कल इज वेरी टफ। ओके, और स्कल इज वेरी टफ स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर स्कल का डायग्राम मैंने आप लोगों के सामने लिया है, ये देखिए स्कल का डायग्राम है, एंड देन वर्टिब्रल कॉलम, तो ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम हो गया। ओके, इन सबको भी हम इसके अंदर कौन कौन सी बोन है वो देखने वाले हैं, एंड थोरेसिक केज के अंदर हमारी ये रिब्स है, तो हमारी 12 रिब्स हो गई। ओके, एज वेल एज दिस इज वॉट अवर स्टर्नम, और स्टर्नम को हम क्या बोलते हैं, छाती की हड्डी बोलते हैं, चेस्ट बोन बोलते हैं, या फिर ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। सो स्टर्नम इज ऑल्सो नोन एज ए चेस्ट बोन, ओके, एज वेल एज ब्रेस्ट बोन। क्लियर। नाउ यहां पर आप देखिए स्कल के अंदर कौन कौन सी बोन्स होती हैं, तो फर्स्ट वन इज क्रेनियल बोन, सेकंड वन इज फेशियल बोन, एंड थर्ड वन इज ऑडिटरी बोन, एंड फोर्थ वन इज हायोइड बोन। ओके, तो क्रेनियल बोन्स कितनी होती है, 8 बोन्स होती हैं, फेशियल बोन 14 होती हैं, एंड ऑडिटरी बोन 6 होती हैं, 3 × 2, दोनों ही हमारे ईयर के अंदर, एक ईयर के अंदर 3 होती हैं, तो दोनों मिला के 6 हो जाएंगी, और हायोइड बोन 1 होती है जो कि हमारी ठोड़ी के नीचे की तरफ होती है। ओके, तो इसको इन चारों स्कल के अंदर अगर आप जनरली भी सोचेंगे कि स्कल के अंदर कौन कौन सी बोन होगी, तो हमारे दिमाग में यही आएगा कि जो हमारा जो फेस वाला रीजन है, हेड वाला रीजन है, वहां की जो बोन्स होंगी वही होंगी। फिर भी अगर आपको अगर ट्रिक से याद करना चाहें, तो आप इसको ट्रिक हमारी क्या है वो आप देखिए, फैक्ट्री ऑडिट करनी है। ओके, अगर यहाँ पर कोई सीए होगा, चार्टेड अकाउंटेंट होगा, तो वो क्या कहेगा, फैक्ट्री ऑडिट करनी है। फैक्ट्री से हमारा हो जाएगा फेशियल बोन, ऑडिट से हो जाएगा ऑडिटरी बोन, करनी से हो जाएगा क्या, क्रेनियल बोन, ऐसे हो जाएगा हमारा हायोइड बोन।
तो इस तरह से आप इस ट्रिक से इसको लर्न कर सकते हैं। आप क्रेनियल बोन्स पर आ जाइए, ये हमारी क्रेनियल बोन्स हैं, ओके। तो क्रेनियल बोन कौन कौन सी होगी, फर्स्ट वन इज पेराइटल, ओके। तो ये कितनी होती है, दो होती हैं। टेम्पोरल जो है हमारी, ये भी हमारी कितनी होती है, दो होती हैं। पेराइटल और टेम्पोरल ही दो होती हैं, बाकी सारी जो बोन्स हैं वो एक एक होती हैं। तो दिस इज अवर फ्रंटल बोन, ओके, एंड देन दिस वन इज स्पिनॉइड, ओके, एंड देन दिस वन इज ऑक्सीपिटल, ओके, एंड देन दिस वन इज इथमोइड। तो इन सभी को लर्न हम कैसे करेंगे, लर्न रखने की हमारी क्या ट्रिक है वो आप देखिए। परी स्पिन इन फ्रंट ऑफ टेम्पो एक्सीलेंटली, तो ये देखिए हमारे पास में ये क्या हो गया, टेम्पो हो गया, ओके। दिस इज व्हाट अ टेम्पो, और टेम्पो के फ्रंट में दो परी जो हैं वो क्या कर रही हैं, ये स्पिन कर रही, मतलब कि डांस कर रही थी। सोन परी आपने सीरियल भी देखा होगा, तो उसी सोन परी की ये हमारे पास में परी हो गई, और ये परी क्या कर रही है, स्पिन कर रही है, ओके, डांस कर रही है। तो किसके सामने कर रही है, टेम्पो के सामने कर रही है, और किस तरह से कर रही है, एक्सीलेंटली कर रही है। तो कैसे कैसे लर्न हो जाएगी आपको ट्रिक, परी से हो जाएगा हमारा पेराइटल बोन, क्या हो जाएगा, पेराइटल बोन्स, ओके। और पेराइटल बोन्स कितनी है, दो परी मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, तो दो हो गया। देन स्पिन से हो जाएगा स्फिनॉइड बोन, क्या हो जाएगा, स्फिनॉइड बोन। देन इनसे कुछ भी मतलब नहीं है, ओके, एंड फ्रंट से क्या हो जाएगा, फ्रंटल बोन। टेम्पो से क्या हो जाएगा हमारे पास में, टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोन, ओके। एंड ऑफ से क्या हो जाएगा, ऑक्सीपिटल बोन। देन एक्सीलेंटली से क्या हो जाएगा, इथमोइड बोन, ओके। तो होपफुली आप लोगों को इस ट्रिक से लर्न हो जाएगा। नाउ यहाँ पर आप देखिए फेशियल बोन को हम डिस्कस करने वाले हैं। फेशियल बोन में हमारे पास में जो मैंडिबल है, होमर है, वो ओनली वन होती है, बाकी रिमेनिंग सारी टू टू होती है। नेम देखिए आप, मैक्सिला, ओके, जाइगोमैटिक, मैंडिबल, नासल, पैलेटाइन, इन्फीरियर नासल कौन का, लैक्राइमल एंड वोमर, ओके। इस डायग्राम से आपको सारी की सारी बोन जो है वो समझ में आ गई होगी, कौन कौन से एरिया में हमको मिलती हैं। तो यहाँ देखिए हमारी ट्रिक क्या है इसको लर्न करने की, ये देखिए महान फुटबॉलर पेले हैं, ओके, महान फुटबॉलर क्या है, पेले हैं, ओके। तो यहाँ देखिए क्या ट्रिक है, मंडी से माला लेकर पेले जाएंगे नासा, ओके। तो ये हमारी कौन सी मंडी है, फ्लावर मंडी है, ओके, फ्लावर मंडी है, ओके। इस मंडी से जो है पेले क्या करेंगे, माला ले जाएंगे, ये माला है ये, और ये माला लेकर कहाँ जाएंगे, फुटबॉल तो इन्होंने बहुत खेल लिया, अब इनका नासा जाने का मूड है, ओके। सो मंडी से माला लेकर पेले जाएंगे नासा, तो वाह 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 वाह। यहाँ देखिए अब मंडी से क्या हो जाएगा, मैंडिबल, से कोई मतलब नहीं है, माला से हमारा हो जाएगा, एम ए से हो जाएगा मैक्सिला, ओके, एंड ला से हो जाएगा लैक्राइमल। लेकर से कोई मतलब नहीं है, पेले से हो जाएगा पैलेटाइन, जाएगा से हो जाएगा जाइगोमेटिक, ओके। नासा से आप लोगों को दो चीजें याद रखनी है, क्या, फर्स्ट वन इज नासल बोन, ओके, एंड द सेकेंड वन इज इन्फीरियर नासल कौन का, ओके, ओके। तो इससे आपको ये लर्न हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं ऑडिटरी ऑसिकल्स। ऑडिटरी जो ईयर में हमें मिलती है, तो हमारे पास में तीन बोन हमें मिल रही है, मेलियस, इनकस और स्टेपीज। तो हमारे पास में दो ईयर हैं, तो 3 × 2 तो टोटल 6 हो जाएंगी। सो यहाँ पर देखिए मेलियस है हमारे पास में, इनकस है और स्टेपीज है, ओके। सो ये तीनों ही बोन हमारे कहाँ मिलती है, हमें ईयर में मिलती है, ओके। तो यहाँ देखिए हमारी जो ट्रिक है वो क्या है, ट्रिक हमारी क्या है, इसकी ट्रिक जो है हमारी वो है मिस। यहाँ देखिए ये आप ऐश्वर्या राय और प्रियंका चोपड़ा को देख रहे होंगे, ये मिस वर्ल्ड बनी थी, ओके। और मिस वर्ल्ड बनने से पहले सबकी सुनती थी, मिस वर्ल्ड बनने के बाद किसी की नहीं सुन रही है, ओके। तो सुनने से आप लोगों को याद हो जाएगा कि ये बोन जो है हमें वो कहाँ मिलती है, ईयर में मिलती है, ओके। और एम आई एस से आप इसको लर्न कर लीजिए, एम फॉर मेलियस, आई फॉर इनकस एंड एस फॉर स्टीपीज, ओके। नाउ जस्ट लुक ऑन द वर्टिकल कॉलम। वर्टिकल कॉलम में जो आपको बोन मिल रही है वो कितनी है, सर्वाइकल 7 है, थोरेसिक 12 है, लंबर 5 है, सैक्रम 1 है और कॉकिक्स 1 है। यहाँ डायग्राम से आप लोगों को शो हो रहा होगा, ये हमारे पास में C1 से लेकर C7 तक क्या हो गया, सर्वाइकल है। देन T1 से लेकर T12 तक हमारे पास में क्या हो गया, थोरेसिक, एंड देन L1 से लेकर L5 तक लंबर, देन सैक्रम जो होता है S1 से S5 तक होता है, बट इसको हम 1 ही काउंट करते हैं, एंड देन कॉकिक्स जो कि 1 होता है हमारे पास में। तो आइए इसकी ट्रिक देखते हैं, हमारी ट्रिक क्या है। TC लेकर टी स्कूल से गए कॉलेज, इसको तो यहाँ पर देखिए टी मीन्स क्या हो जाएगा आपका, ये हमारा स्कूल हो ही गया, आप लोग पता, आप लोगों को पता ही है। और यहाँ पर ये स्टूडेंट है, ये TC लेकर जा रहा है, और TC लेकर जा रहा है, तो ये कैसा, जब स्कूल से कॉलेज जाने की खुशी होती है बच्चों को, तो वो दौड़ दौड़ कर जाते हैं, तो पैदल पैदल ही कॉलेज पहुंच जाते हैं, ओके। सो यहाँ पर देखिए टी मतलब क्या हो गया हमारा, थोरेसिक,
ओके, सी मतलब क्या हो गया, सर्वाइकल, लेकर से मतलब हो गया एल, तो एल मतलब लंबर, ओके, स्कूल से मतलब हो गया सैक्रल, एंड कॉलेज से मतलब हो गया कॉकिक्स, ओके। तो यहाँ देखिए इनका नंबर भी कैसे याद रखेंगे, टीसी मतलब आप टीसी हम कब लेते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट हम कब लेते हैं, टी मतलब जो है आप ट्वेल्थ क्लास में होते हो तभी लेते हैं, तो थोरेसिक हमारी कितनी होगी, 12 नंबर, और सी और एल है यहाँ पर, सी और एल, तो टी सी की जो फीस आपने दी है वो कितनी दी है, 75 रुपीज़, तो सी 7 हो जाएंगे और लंबर हो जाएंगी 5, और रेस्ट जो है आप कॉलेज से पैदल पैदल गए हैं, तो कॉलेज से 1 और 1, पैदल पैदल को हम 11 लिख सकते हैं, ओके, तो सैक्रल भी 1 हो जाएगा और कॉकिक्स भी 1 हो जाएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज थोरेसिक, थोरेसिक हमारे पास में कितनी है, 25, 25 में से 1 हमारी स्टर्नम है और रिब्स हमारी कितनी है, 12, ओके, तो ये हमारी स्टर्नम हो गई जिसे हम चेस्ट बोन भी बोलते हैं और ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं, ओके, और रिब्स हमारे पास में कितनी होती है, 12, ओके। तो होपफुली आप लोगों को यहाँ पर ये क्लासिफिकेशन लर्न हो गया होगा। हेलो एवरीवन, डिस्कसिंग द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम कंटेन हाउ मेनी बोन्स, ए 126, बी 80, सी 300, डी 206। क्वेश्चन नंबर 2, चूज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर स्केलेटल सिस्टम, ए नंबर ऑफ फेशियल बोन आर 8, बी नंबर ऑफ क्रेनियल बोन्स आर 14, सी नंबर ऑफ वर्टिबल बोन्स आर 22, डी नंबर ऑफ हायोइड बोन इज 1। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन नॉट फाउंड इन पेयर, ए मैक्सिला, बी पैलेटाइन, सी वूमर एंड डी मैंडिबल, फर्स्ट ऑप्शन ए एंड बी, सेकेंड ऑप्शन बी एंड सी, थर्ड ऑप्शन सी एंड डी, फोर्थ ऑप्शन ए एंड डी। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज अ पार्ट ऑफ ईयर बोन, ए इनकस, बी हायोइड, सी वूमर एंड डी ऑलर कर्राक। क्वेश्चन नंबर 5, चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर वर्टिबल बोन, ए थोरेसिक बोन फाउंड इन 7 नंबर, बी लंबर बोन फाउंड इन 12 नंबर, सी सर्वाइकल बोन फाउंड इन 5 नंबर, डी ऑलर करेक्ट। सो आई ऑलरेडी डिस्कस आंसर ऑफ ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन इन माई लेक्चर, इफ यू हैव एनी डाउट देन गो थ्रू विद द लेक्चर अगेन एंड आंसर इन कमेंट बॉक्स।